नमस्ते, मैं विजय कुमार दीक्षित बीकेडी सर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैप्टर। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? सेल्फ वेरिफिकेशन, हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, लाइफ का पर्पस क्या है और हम इसको कैसे पाना चाहते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोसेस ऑफ अचीविंग अवर डिजायर, हमारी इच्छाओं को प्राप्त पूरा करने का जो प्रोग्राम है वो प्रोसेस ऑफ अचीविंग दैट डिजायर। अब हम समझे द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस क्या है? देखिए, हमारे पास हर समय विचार आते रहते, प्रस्ताव आते रहते, लेकिन ये जरूरी क्या है कि जो भी प्रस्ताव आए उसको सबसे पहले वेरीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हम ये वेरीफाई करें कि आने वाला प्रस्ताव सही है कि सही नहीं है। अगर प्रस्ताव सही है तो फिर उसको हम एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के लिए लेके जाएं, अपने जीवन में जीने में लेकर जाएं। जैसे पहला इसमें आता है बिहेवियर विद ह्यूमन बीइंग, उस प्रस्ताव को रिलेशन में लेके जाएं और अगर रिलेशन में लेके जाने से वो प्रस्ताव में हमें उभय सुख मिलता है, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलती है तो प्रस्ताव ठीक है। और प्रस्ताव को वर्क विद रेस्ट ऑफ नेचर, जो रेस्ट ऑफ नेचर है उसके साथ उस प्रस्ताव को लेके जाएं और कार्य व्यवस्था में लागू करने का प्रयास करें। और अगर वहां पर म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय सुख का एहसास होता है, उभय सुख होता है तो यह प्रस्ताव सही है। मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा। जैसे एक प्रस्ताव आया है कि संबंधों में सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर इस प्रस्ताव को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांचें तो हमको मालूम पड़ता है कि यह प्रस्ताव ठीक है कि सभी का सम्मान करना चाहिए। और जब हम इसको जीने में जाते हैं, जब इसको हम जीने में जाते हैं और हम दूसरों का सम्मान करते हैं, उनके साथ सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, एक हम उभय सुख का अनुभव करते हैं। अगर इसी भाव को अगर हम परिवार में और समाज में लेके जाते हैं तो उभय समृद्धि या म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का एहसास होता है। एक और एग्जाम्पल ले लें कि पानी हमें बचाना चाहिए। अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर इसको जांचेंगे तो पाएंगे कि पानी हमको बचाना चाहिए, क्योंकि पीने वाले पानी की एक सीमित मात्रा है, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें बचाना चाहिए। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर ये ठीक है। अगर इसको हम कार्य व्यवस्था में लागू करने का प्रयास करें, कार्य व्यवस्था में जीने में लेके आए, तो हम देखते हैं कि बिहेवियर विद ह्यूमन बीइंग, मतलब इससे हमारे आपस के संबंध भी अच्छे होंगे और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, इससे हमें उभय सुख और उभय समृद्धि का एहसास होगा। इसी तरीके से कोई ऐसा प्रस्ताव आता है कि मुझे झगड़ा करना चाहिए, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जब इसको चेक करने जाएंगे तो ये सामने आएगा कि झगड़ा करना ठीक बात नहीं है, तो प्रस्ताव यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से प्रस्ताव आते हैं और उनको हम स्वीकार करते हैं तो ये हमारे अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ डेवलप होती है। और इस तरह लगातार करने से हमारे अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। अब मैं कुछ डेफिनेशन के माध्यम से बताऊंगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है। सेल्फ स्टडी द प्रपोजल विद इन योर सेल्फ ऑन योर ऑन राइट, अंडरस्टैंडिंग हारमोनी फीलिंग एंड द थॉट ऑफ हारमोनी बिहेवियर वर्क एंड द पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर ऑन द हारमोनी। जो इच्छा विचार आशा है, जो हमारी जो भी प्रपोजल है उसको स्टडी करना, उन राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, सही समझ के आधार पर, तो अगर उसको सही समझ के आधार पर स्टडी करते हैं और उससे हमारे बीच में
उभय सुख और उभय समृद्धि का भाव उत्पन्न होता है, तो यही सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, सेल्फ अवेयरनेस। अब हमारे पास लगातार प्रस्ताव आते रहते हैं, लगातार प्रस्ताव आते रहते हैं, तो हमारे इच्छा विचार और आशा में जो अवेयरनेस के बारे में जो अवेयरनेस बनी रहती है, जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनके प्रति अवेयरनेस जो बनी रहती है, उसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ एवोल्यूशन है एवोल्यूट योर डिजायर थॉट एंड एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। मतलब अपने इच्छा विचार आशाओं को अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर एवोल्यूट करते रहना सेल्फ एवोल्यूशन है। तो ये कंप्लीट मैंने कोशिश की है सेल्फ एक्सप्लोरेशन को समझाने की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूंगा। धन्यवाद।